अच्छा इधर सुन लो ना भैया, अभी ये फोटो निकाल लिया भैया, रख देना भैया। इसीलिए तो मैं क्यों बोट में नहीं बोला मालूम है, सब लोग फोटो एंजॉय कर रहा था। थोड़ा 5 मिनट अगर मेरे को देगा ना तो मैं सारी हिस्ट्री आपको बता दे, ठीक है? क्या समझाने का है समझा दे। सब मैं पहले बताता है, जिस बोट से हम लोग अंदर आता है ना, इस बोट का नाम रब्बानी बोट। वापसी में ये बोट नहीं मिलेगा। अच्छा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे अभी क्राउड हो गया, इसीलिए हमारे बंदर का 13 बोट होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह का सर्विस चलता है और सेम बोट होता है। तो वापसी में अगर रब्बानी बोट लेने आया ना तो आपके पास टिकट होता है, वो टिकट दिखा के बोट में चढ़ना होता है, ठीक है? नहीं तो दूसरे गाँव चला गया, आपका गाड़ी उधर आप उधर। ओके, 45 मिनट के समय में रिटर्न वापसी करना है। अब ये जिसने किला बांधा ना, ये अंदर से छोटा नहीं बांधा, ये 22 एकड़ का किला है। तो हम लोगों को अंदर 22 एकड़ नहीं घूमना होता है, ये किले का बेस्ट 15 पॉइंट देखना है। लेकिन बैड लक क्या है, काफ़ी समय से ये लॉकडाउन था और किला भी बंद था, अंदर पूरा झाड़ी है, तो गाइड अंदर अलाउड नहीं किया, लेकिन ये अलाउड किया कि इन्फॉर्मेशन आपको बोट में देना है। तो ये किला बनने से पहले समंदर के अंदर एक आइलैंड था, उसी आइलैंड पर कोली लोग रहा करता था। कोली लोगों का अंदर एक मुखिया था राजाराम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था। ये किला बांधने वाले का नाम क्या है, तो सिद्धि जौहर। और हमारे महाराष्ट्र में सिद्धि दो होके चला गया, एक सिद्धि जो 1665 में पन्हालगढ़ में बेड़ा डाला था ना, ये मोगल बादशाह था, और ये जो सिद्धि था ना, ये शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के 500 साल पहले का सिद्धि था। कहां से आया था, तो अफ्रीका से आया था। हमारे हिंदुस्तान में क्यों आता था, व्यापारी था। किस चीज का, लौंग इलायची मसाले में खाता है ना। ये जब भी वापसी करने का ना, तो अंदर एक दरगाह है, जैसा मुंबई में हाजी अली हाजी मलंग, पूना में कमल व दरवेश है, वैसा जंजीरा में 5 पंजतन पीर का समाधि है। वहां पे रुकने का, फूलों की चादर चढ़ाने का, दुआएं मन्नत मांग के अपने घर को लौट जाने का। एक वक्त समंदर में तूफान हो गया, यही तूफान का पानी बाबा के मजार को टच हो गया, इसके लिए इतना बड़ा किला बांधा। ये किले का बांध काम 1118 में चालू किया, 1140 में कंप्लीट किया, बनाने के लिए 22 साल लगा, 22 साल में 22 एकड़ का किला बांधा। आप लोग इस किले को क्या नाम जान के आया, तो मुरूर जंजीरा में जाना है भैया। मुरूर तो एक सिटी है और जंजीरे का कोई मीनिंग नहीं है। इस किले का ओरिजिनल नाम क्या है, तो जल जीरा है। जल बोले तो मराठी में पानी, और जजीरा बोलेगा तो अरबी लैंग्वेज में एक बेट को बोला जाता है। अभी हमने और तुमने शॉर्टकट में मुरूर जंजीरा बना दिया। अभी हमारे हिंदुस्तान का जो फ्लैग होता है ना, जिस पे ट्रेडमार्क क्या दिया है, तो अशोक चक्र दिया है। वो ज़माने में सिद्धि का खुद का एक फ्लैग था, ग्रीन कलर का, जिस पे सिंबल क्या था, श्रीलंका कंट्री का फ्लैग देखा है ना, जिसपे एक लाइन एक शेर होता है, ये शेर के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। ये सिंबल इस किले में 47 तक था, 47 के बाद इस किले में तिरंगा लहराता है हमारे हिंदुस्तान का, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। अभी ये दरगाह का मालूमात हो गया ना, तो राइट मार के आपको कहां जाएगा, तो आज जो आपको हिंदुस्तान का जो तीसरा नंबर तोप है ना, वो आपको जंजीरा में देखने मिलेगा। पहला तोप कहां पे आता है, तो बीजापुर मुलुक मैदान में। दूसरा तोप कहां पे आता है, तो दौलताबाद में मेंढा तोप। और तीसरा तोप जंजीरा में। इस तोप का नाम कलाल बंगड़ी क्यों है, कलाल बोलेगा तो मराठी के अंदर आवाज को बोला जाता है, और बांगड़ी बोलेगा तो जो हाथों में पहनता है उसको बांगड़ी बोलता है। तो तोप के बिल्कुल साइड में बांगड़ी था, रिंग था, कि जब ये तोप चलता था तो यही बांगड़ियों का आवाज पूरे किले में घुसता था, इसीलिए लोगों ने उस तोप को नाम दिया कलाल बांगड़ी। अब वो तोप में रीजन क्या है, तो हम 10 मिनट अभी धूप में रहा ना, हम लोगों का बदन हीट हो गया, पसीना हो गया। वो तोप को अंदर जाके देखना, 12 घंटा सन में रहता है, वो तोप कभी गर्म नहीं होता है, क्योंकि लोहा नहीं है। अगर लोहा रहता तो खड़ी हवा से सड़के चला जाता था। वो पंच धातु का तोप है, और वो तोप का रेंज 12 किलोमीटर, वजन 22 टन और लंबाई में 16 फीट है। चलाने का सिस्टम कैसा है, आगे से गोला डालेगा, ऊपर से खड्डा दिया, जैसा अभी दिवाली आया फटाका फोड़ा वैसा वात लगा के गोले को फायर करने का। उसके बाजू में और 2 तोप है, वो तोप का नाम क्या है, गायमुख, और वो तोप का नाम क्या है, चावड़ी। गायमुख क्यों, बनाने वाले ने आंख नाक कान दिया, इसके लिए उसको गायमुख बोलता है। और चावड़ी क्यों, चालाक तोप, फास्टर्ड होने का, फास्ट फायर होने का। ये किले के 3 मेन नंबर, आगे मत जान दे, ये 3 तोप किले के मेन तोप है। और ऐसा छोटा मोटा तोप 165 है, जिनका रेंज 1 किलोमीटर है। अभी हम लोग जंजीरा देखने आया ना, तो ये जंजीरा के 8 किलोमीटर दूरी पे एक पद्मदूर किला है, जो आज इतिहास के पन्ने पे कासा के नाम से जाना जाता है। बांधने वाले का नाम संभाजी महाराज था, जिसने वो किला इस किले को जीतने के लिए बांधा था। 40 दिन 40 रातों में पानी के 90 फीट जाके एक ब्रिज एक टापू तैयार किया था, लेकिन रायगढ़ पे अटैक हो गया ना, इसीलिए शिवाजी महाराज का बुला हुआ संभाजी महाराज को आया। महाराज ये किला छोड़ के वो किला बचाने के लिए निकल गया। यहाँ के लोगों ने उस किले पे कब्जा किया, और वो जमाने में कैदी लोगों के लिए कैद खाना नहीं था, इसीलिए जेल बना दिया और उस किले को नाम दे दिया कासा किला। फिर शिवाजी महाराज संभाजी महाराज
जंजीरा जितने नहीं है। जंजीरा की याद में मालवन गांव में एक सिंधुदुर्ग किला बांधा जो 40 एकड़ का किला है। अभी हम जो जंजीरा देखने अंदर जा रहा है ना, इसमें कुदरत का एक करिश्मा है कि चारों उधर तो पूरा खड़ा पानी है बट किले के अंदर 2 मीठे पानी के तालाब है। इतने बड़े तालाब है कि अभी जो बोट से हम बैठा है इस बोट को उठा के अंदर डाल दो तो आराम से तैर सकता है, घूम सकता है। इतने बड़े तालाब है। अब ये मीठा पानी तो कुदरत ने दिया, लेकिन कुदरत ने कैसा दिया, यहाँ पे जो आइलैंड था ना इसी आइलैंड को काटा, यानी किले का पत्थर किले के बाहर से लाता तो जंजीरा 22 साल में नहीं 1000 साल में कंप्लीट नहीं होता। इसी आइलैंड को काटा, इसका पत्थर किले के बांध काम में लगाया, जब काट काट के जमीन के लेवल को आया तो यही जमीन से पानी के नेचुरल झरने लग गए। लोगों ने खुदाई को बंद कर दिया क्योंकि उनके 2 मकसद पूरे हो गए, किले का पत्थर किले में मिल गया और इंसान का जरूरत चीज पानी होता है। तालाब का गहराई 50 फीट है और उसी तालाब पे खुद की एक रानी थी सिद्दी जुबेदा खान, तो एक शीश महल बनाया। शीशा तो ऐसा था कि सन का रोशनी शीशे पे पड़ेगा, ये पानी का कलर खुद ब खुद 7 कलर में तब्दील होता था, इसीलिए उस तालाब को नाम दिया शाही खानी तालाब। अब किसी को पानी लेना हो कोई बकेट नहीं डालेगा, क्योंकि बकेट डालेगा पानी हिलेगा रेफ्रेशन चला जाएगा, इसीलिए कनेक्टिंग 2 गेट बनाया। तालाब देख के जैसा ही आगे आएगा ना, आपको एक काला पत्थर का इमारत दिखेगा जो राजा का राजवाड़ा है, जो उस जमाने में 5 मंजिली का था, इस जमाने में 3.5 मंजिली का है, जिसके अंदर नाच गाना हॉल मीटिंग सब उसके अंदर चलने का। दरबार देख के थोड़ा आगे आएगा और एक तालाब है, उस तालाब का नाम चिरेखानी। उस तालाब का गहराई 30 फीट है। मंदिर में जाना है स्नान करना है, मस्जिद में जाना है वजू करना है, यानी इस किले में 2 समाज का लोग था, एक बसा हुआ कोली लोग और एक मुसलमान लोग। 550 के मकान थे, 2500 का लोग था, किले में 5 मस्जिद था, एक गणेश मंदिर था। अभी आप सोच रहे हैं ये सारा लोग गया कहाँ पे, 1972 में ये लोगों ने किले को छोड़ दिया और कहाँ गया, अभी हम जिस गांव से आया उस गांव में जाके बस गया। कोली समाज अपनी जगह, मुसलमान अपनी जगह, लेकिन गांव को नाम एक ही दे दिया राजपुरी। राजापुरी नहीं, भेजापुरी नहीं, राजपुरी। क्यों? लोगों ने किले में 900 साल राज किया, इसके लिए वहां जाने के बाद उस गांव को नाम दिया राजपुरी। उसी तरह का वो तालाब है सर, अगर मंदिर या मस्जिद में जाना है वहीं से स्नान करना है। वो तालाब देख के जैसा ही आगे आएगा ना, आपको एक बड़ा सा गेट दिखेगा, दरबारी गेट है। उस गेट को देखना, 950 साल से उसका लोखंड रिबिट जो रहता है ना वो सड़ गया, लेकिन दरवाजे में वालू धीमक जो बोलता है ना वो नहीं पकड़ा है, क्योंकि बर्माडिक सागवान का लकड़ा है, बर्मा देश से लाया था। 24 घंटा बंद रहेगा, राजा के लिए ओपन होएगा। राजा का खास आदमी है, छोटा गेट दिया जिसको नाम दिया डिंडी गेट। अब राजा को उसके अंदर से लेगा, ये सर का ताज झुकेगा, अपमान हो जाएगा, इसीलिए पूरा गेट ओपन होता था। लेकिन अभी हम लोग किले में जा रहा है ना तो देखना वो दरवाजा ओपन है। अब पूछो ना क्यों ओपन है, क्योंकि हम सब राजा हो गया इसीलिए वो गेट भी ओपन हो गया। अब उसके थोड़ा सा आगे आएगा ना तो हमारे 100 का नोट पे क्या होता है, गांधी जी का मोहर, डॉलर पे 3 मूर्ति, उसी तरह किले का 6 हाथी और 1 शेर का सिंबल सामने गेट पे कुड़ियर कामों में बनाया है, उसी तरह डॉलर पे रहने का। अगर आप बाहर जा रहा है ये सिक्का लेके जाना है, आप वापसी करेगा ये सिक्के का पहचान है। आपके पास सिक्का नहीं है, आप दुश्मन का आदमी है, आपके साथ क्या करेगा। जैसा ये सीढ़ी उतरेगा ना, अपोजिट में 2 विंडो है, 2 विंडो में 2 लोग लोखंडी भला लेके खड़ा रहता था भाई, नीचे वाला इशारा करेगा गोला फेंक के जगह पे मार देगा। अभी घबराओ मत, हमको नहीं मारेगा, हमारे पास तो टिकट है। और पूना में पहाड़ों के नीचे से रास्ता निकलता है, वैसा वो जमाने में जंजीरा में समंदर के 60 फीट नीचे से रास्ता सामने राजपुरी गांव में निकलता है, जिसको मराठी में भोयार कहता है, पानी के नीचे से। यकीन करो जब ये पानी खत्म हो गया 60 फीट गहरा, तो लोगों को पहाड़ों का चट्टान मिला, उस चट्टान को काटा, मिट्टी के पाइप को जोड़ा और 1 किलोमीटर रास्ता निकाला। आप 1 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन होना जरूरी था, इसीलिए घोड़े का इस्तेमाल करने का। और अंधेरा रहने का तो मशाल बोलता है ना, वो मशाल जला के आना जाना करता था, इमरजेंसी। अगर दुश्मन इस किले को चारों तरफ से अटैक करेगा तो राजा अपने फैमिली को पानी के रास्ते से सामने जमीन की तरफ लेके निकल जाएगा। अभी जो हम जंजीरा देखने आया ना, ये जंजीरे का 3 रीजन है। पहला रीजन बोट से था, जब तक नाव जंजीरा के सामने नहीं आएगा मेन गेट का पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा रीजन चारों उधर समंदर में किले में मीठा पानी। और आखिरी रीजन क्या था, अगर आज घर बनाएगा ना तो 80-90 साल में हमारा घर तो टूट जाता है, लेकिन इस किले की तरफ देखना, पत्थर घस गया लेकिन जॉइंट नहीं छूटा, क्योंकि ये जॉइंट में अंबुजा सीमेंट नहीं है, ये जॉइंट में 5 चीजों का इस्तेमाल है, समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है, और सब में मजबूती ग्रेफाइट लेड जो शीशा कहता है ना, इसीलिए हर दीवारों पे देखना कि 2-4 इंच पत्थर घस गया लेकिन जॉइंट अपना जगह नहीं छोड़ पाया। ये 15 पॉइंट का हिस्ट्री बताया ना, अभी आपको रास्ता बताता है।
यानी आप जैसा अंदर जाएगा ना, आपको एक दरगाह मिलेगा व्हाइट कलर का, वो दरगाह से राइट मारेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, कहाँ आएगा सर, वो सामने जो तोप दिख रहा है ना वहाँ आएगा, यानी किले के थर्ड फ्लोर पे चढ़ेगा, वहाँ से तोप देख के जब सीधा जाएगा ना एंड हो जाएगा, वो एंड होने के बाद आपको दो रास्ता खुलता है, एक राइट मारेगा जंगल की तरफ जाएगा, हमको जंगल नहीं देखना है भाई, हमको मंगल थोड़ी होना है, हमको तो पॉइंट देखना है, तो लेफ्ट मार के मिट्टी के ज़मीन पर आएगा, वहीं पर आपको एक टनल मिलेगा, वहाँ से 10 कदम चलेगा कुदरत का करिश्मा देखने मिलेगा, वहीं कुदरत के करिश्मे के सामने 125 सीढ़ी है जहाँ से आपको 22 एकर का किला दिखता है, क्योंकि 45 मिनट में हम घूम नहीं सकता है, लेकिन वो हाईएस्ट पॉइंट ऐसा है जहां से पूरा 22 एकड़ दिखता है। वही रास्ते से नीचे आने का, दरबार देखने का, तालाब देखने का, दरबारी गेट देखने का, यहां आने के बाद बोलने का, भैया रब्बानी बोर्ड राजपुरी से आया है, यहां का बंदर वाला समझ जाता है।